लोगों की दर्दनाक मौत के बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील। बता दें कि सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के पकवलिया पंचायत के डेबर में संदिग्ध अवस्था में 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं मौत के बाद जिले से लेकर अनुमंडल मुख्यालय तक के सभी अधिकारी पकवलिया पंचायत के डेबर में पहुंच चुके हैं। गाँव में पहुंचने के बाद गाँव की प्रत्येक घर की तलाशी ली जा रही है ताकि कहीं शराब तो नहीं है। वहीं इस घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। बता दें कि 3 लोगों की जो मौत हुई है उन लोगों के परिजनों का कहना है कि तीनों लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। वहीं प्रशासन कुछ भी कहने से डर रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कैसे मौत हुई। बिहार में शराबबंदी कानून होने के बावजूद भी लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। वहीं जिस गांव में 3 लोगों की मौत हुई है वहां पर एवन न्यूज की टीम उस गांव में कई देसी शराब की पॉलिथीन भी देखी है। वहीं जब अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो 3 लोगों की मौत होने की सूचना मिली हुई है उसके बाद हम लोग पहुंचे हुए हैं और जांच कर रहे हैं। अगर इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सूचना हम लोग को मिली थी, कुछ अफवाहें थी, सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शराब पीने से हुआ है, परंतु हम लोग यहाँ पर टीम के साथ में सुबह से ही हैं और परिवार जनों से भी प्राप्त किए हैं, गाँव वालों से भी बात किए हैं, रेड भी कर रहे हैं। ऐसी की सूचना संतुष्ट नहीं हो पा रही है कि शराब पीने से मृत्यु हुई है, फिर भी अनुसंधान जारी है, रेड हम लोग करवा रहे हैं। यदि इस प्रकार कुछ प्राप्त होता है तो कार्रवाई भी होगी, परंतु अभी तक की जो सूचना है गांव वाले लोग बताए हैं, परिवार के लोग बता रहे हैं कि स्वाभाविक मृत्यु है। थैंक यू। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को, मोबाइल नंबर 7462862592।